बारिश हो रही है ये भाई, नवंबर में बारिश हो रही है, दिसंबर भी आने वाला है। तो गुड मॉर्निंग है आप सबको, कैसे आप सब, स्नेहा कार्तिक ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो कल रात से बारिश हो रही है और हम सोच रहे थे बालकनी को थोड़ा सा सजाएंगे, बट ये भी अब पोस्टपोन हो गया, देखते हैं। तो बहुत ठंड बढ़ रही है और झमाझम बारिश हो रही है, मौसम अच्छा लगता है लेकिन बाहर जाने वाले लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने अपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा लिया है और फ्रूट्स वगैरह भी मैंने खा लिया है थोड़ा सा, मेरे को लग गई है जोर से भूख। तो मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ी सी चाय पीऊँगी क्योंकि बारिश का मौसम है और चाय ना पिए तो कैसे होगा। वैसे तो मैं चाय की आदत मुझे नहीं है, थैंक गॉड, लेकिन थोड़ी सी चाय मैं अभी पीऊँगी क्योंकि मैंने कल भी नहीं ली थी चाय कॉफ़ी। तो चलो दोस्तों चाय बनाते हैं, जिसको छोटा सा ब्लॉग मैं आप लोगों के लिए मैंने सोचा शुरू करती हूँ, देखते हैं। ये देखो आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ, ये देखो क्या बोलते इसको, तोरी, तोरी आ रही है, काफ़ी आ रही है, देखो ये देखो ये देखो। वो देखना सामने जो फ्लैट है ना उसमें ना, वो उधर से जो फ्लैट वाले हैं ना बहुत सारा गंद फेंक देते हैं, मतलब वो बेचारे अंकल रोज आते हैं साफ करने और वो फेंक देते हैं, वो सामने जो देख रहे हो ना कचरा सा, तो अंकल बेचारे हर तीसरे दिन पे आके कचरा इकट्ठा करके और जला वला के जाते हैं। और ये जो सामने ये फ्लैट है ना, इनमें जो लोग रहते हैं अपना सारा कचरा इसके अंदर फेंकते हैं, कुछ हमारी गली के भी फेंकते हैं लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगी ताकि लड़ाई ना हो, वरना मम्मी बोलेंगे लड़ाई उड़ाई देंगे। चलो गाइस बिजली कड़क रही है, लस्को अंदर चलते हैं। बेबी का सॉन्ग चल रहा है, बड़ा बेबी अभी सो रहा है, कहाँ है बला बेबी, ये बला बेबी कहाँ है मिला, ये बला बेबी देखो क्या कर रहा है, गुड मॉर्निंग। अभी हमें बेड लेकर आना है दोस्तों लेकिन टाइम नहीं मिल रहा, झूला हमने वहां निकाल के रख दिया, हम आपको रूम टूर देने वाले हैं बहुत जल्दी, तो है ना कार्तिक रूम टूर देने वाले है ना। ओ मेरा बच्चा, मेरा कुत्ती पाई, कुत्ती पाई, अब बोले कुत्ती पाई बोल रही है, चलो चलो चाय हमारी बन गई, देखो चाय ऑलरेडी मैंने रख दी है, इसके साथ लेंगे सम्रास्क। ओ, 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 हो गया हमारा आज ब्रेकफास्ट। सो गाइस बारिश बहुत जोरों पे हो रही है, हमारी बन गई है यहाँ पे गर्मा गर्म चाय, तो चाय के साथ मैं कुछ और ड्राई फ्रूट्स लूंगी, जैसे पहले मैं सोक किया हुआ लेती हूँ और उसके बाद में थोड़े से यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या ले रही हूँ। तो चलो हम बैठ के पहले आराम से ब्रेकफास्ट कर लेंगे, कुछ गप्पे शप्पे भी मार लेंगे, लेट्स गो। सो सुनो बारिश की आवाज देखो कितनी तेज है, तो पहले हम बैठ जाते हैं, यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे हमारा झूला है, वहाँ पे हमारा एलईडी है, यहाँ पे हमारा छोटा बड़ा बेबी सो रहा है, इसको सोने देते हैं, वो चाय नहीं पीता है बड़ा बेबी तो हम पी लेते हैं, लेट्स गो। यहाँ पे आ गई है हमारी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय, यहाँ पे है उसके साथ टोस्ट, मीठे वाला टोस्ट है, यहाँ पे कुछ काजू बादाम और इसको क्या बोलते हैं खुमानी ड्राई फ्रूट्स में, और यहाँ पे है थोड़े से मखाने। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट हो गया आज का, आ
हाँ, मस्त चाय बनी है, मीठी सी अदरक की खुशबू आ रही है, ताजी ताजी अदरक। तो गाइज आज तो बारिश हो रही है, आज तो मस्त रहेंगे घर में। मैं तो ब्रेकफास्ट करके, और आज कुछ काम खास नहीं है, कपड़े वपड़े हमने कल धो लिए थे तब जाके बारिश हुई है कल, मतलब बहुत मतलब सही काम हो गया, थैंक यू गॉड। और गॉड हमेशा मेरी केयर करते हैं, हमारी फैमिली और हमारी केयर करते हैं गॉड, थैंक यू गॉड। तो गाइज ये है कि बारिश में अपने आप को बचा के रखना है, क्योंकि बहुत जल्दी ठंड लग जाती है। फाइनली थोड़ी सी बारिश अभी स्टॉप हो गई है, और मैं ना चाय नाश्ता पीकर खाकर मतलब सो गई थी थोड़ी देर के लिए, फिर मैं उठी हूँ। आज मैं ब्रेकफास्ट नहीं बना रही हूँ, आज नीचे से ब्रेकफास्ट आएगा, देखते हैं आज ब्रेकफास्ट में क्या आने वाला है और नीचे क्या बन रहा है। मुझे लग रहा है कुछ पराठे वराठे बन रहे हैं, खुशबू तो आ रही है। तो ये रहा स्टाइल, ना चम्मच ले आप। चम्मच। तेरा कौन सा चाहिए? ये तो मेरा हो गया। मैं तो तरी से खाऊंगी, अचार के रस से, बस अचार ज्यादा नहीं अच्छा लग रहा अब। ले तेरा एक है, मेरे 5 हैं। चल तो गाइस ये अगर हमारा ब्रेकफास्ट में हम खा रहा पनीर का पराठे और अचार, ले तरी। आप भी खा लो। तो मैं गई थी बाहर बारिश देखने के लिए, और बारिश अभी हो रही है, आवाज सुन सकते हो आप। ब्रेकफास्ट के बाद 11 बजे मैं खाऊंगी एग, और उसके साथ लूंगी मैं मिल्क। लो गैस चूल्हा भी काफी गंदा हो गया है, तो अभी साफ सफाई थोड़ी सी कर लूंगी। तो यहाँ पे एग बॉईल हो गए हैं और यहाँ पे मिल्क भी है। तो डॉक्टर ने मुझे जैसे बोला है एग खाने के लिए, डेली 2 एग्स बोले हैं खाने के लिए, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और ना मुझे चिकन अच्छा लगता है, नॉन वेज भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ऐसा लग रहा है मैं बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी हो गई हूँ। तो कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ हो तो बताना, या मुझे मुझे ही ऐसा लग रहा है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, खाना पड़ेगा। और 4-5 दिन के बाद खा रही हूँ मैं एग। हो सो गाइज वेलकम बैक। और अभी दिन के 11 बज चुके हैं और बारिश अभी बिल्कुल नहीं रुकी है, और बादल का गरजना आप देख ही सकते हो। तो कार्तिक अभी घर पे ही हैं, और पता नहीं क्या लगता है आज लेट हो जाएंगे, क्या पता आज घर पे ही रहे। तो चलो कुछ आज दिल की बातें शेयर करते हैं आप लोगों से। तो हेयर केयर रूटीन, स्किन रूटीन मेरा हो गया है, तो अब बस फ्री है, अब बस इसके बाद लंच की तैयारी करेंगे। लंच की तैयारी में भी अभी टाइम है, 2 बजे 2:30 बजे लंच करते हैं। तो बीच बीच में मुझे जब भूख लगती है दूध पी लेती हूँ, कुछ फ्रूट्स वगैरह और खा लेती हूँ, तो ऐसे मेरा दिन निकल जाता है फिलहाल तो। और अभी मैं बेटर फील कर रही हूँ काफ़ी। तो देखो हमने सोचा था कि बालकनी को थोड़ा डेकोरेट कर लेंगे आप लोगों के लिए, तो जब भी हम सोचते हैं कुछ ऐसा करने के लिए तो मौसम ख़राब हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो लगता है बस वैसे ही देखो होम टूर दे देती हूँ। ये मेरा बालकनी है जो आप पहले भी देख चुके हैं। तो अभी काफ़ी कुछ बाकी है हमारे घर की ना, जैसे लॉकडाउन में जब हमारी शादी हुई थी तो उसी टाइम पे ये घर भी बना था, तो जल्दी जल्दी में सब कुछ घर भी अधूरा ही रह गया। तो जो भी है बट अभी देखते हैं। ये था कि चलो अंदर बैठ के फिर हम बात करते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे पड़ोसी भी इधर उधर घूम रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो लेट्स गो, अंदर चलते हैं। तो ये कार्तिक देख ही जा रहा है तब से, सुबह से इसका FIR नहीं जा रहा है। मुझे ठीक ठाक लगता है, लेकिन कार्तिक बहुत ज्यादा FIR ही देखते रहते हैं। क्या हो रहा है?
तो तूने बर्तन जलाया वो साफ हो रहा है। इसे हाथ नहीं लगाना। ठीक है, तो ये बर्तन जल गया था, तो कार्तिक इसकी रिपेयरिंग कर रहा है। दिखाना अंदर से, अंदर से दिखा। अभी नहीं दिखा सकता, अभी वो लगाया है। स्मेल आ रही है, दूर हो जा। छी 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 छी, चलो आ जाओ अंदर बैठते हैं। चलो तो गाइस, अभी दिन के 11 बजे हैं और अभी बारिश रुकी नहीं है और कार्तिक अभी लेट ही जाएगा ऑफिस, तो हम सोच रहे हैं कि तब तक हम आपसे दिल की कुछ बातें शेयर करें। कि आप लोगों ने काफ़ी कमेंट किया और कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो आपको जवाब दे दिया जाए। तो आपने ये एक क्वेश्चन किया था कि जैसे मम्मी काफ़ी वीक लग रहे हैं पहले से, तो आपको पता है कि जैसे प्रेगनेंसी के दिन चल रहे हैं मेरे और प्रेगनेंसी जर्नी स्टार्ट हो चुका है, तो पहले क्या था कि मैं आप लोग जैसे व्लॉग में देखते ही थे, घर के काम में भी मम्मी का हेल्प करती थी और खाना वाना बनाती थी। जैसे पहले मम्मी ट्यूशन करते थे तो दोपहर को मैं बना लेती थी, रात का भी हेल्प कर देती थी और मम्मी सुबह का बनाते थे, मिलजुल के मतलब घर चला लेते थे। लेकिन अब क्या है कि ज़्यादातर मम्मी को करना पड़ता है और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरे मॉम मेरे साथ थे तो इतना नहीं फर्क पड़ा, मम्मी को थोड़ा आराम था 3 महीने। लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर में मम्मी अपने घर गए तो ये था कि मम्मी को ज़्यादा काम पड़ रहा है, तो इसकी वजह से वीकनेस तो आ जाती है और थोड़ा सा मतलब टेंशन भी बोल सकते हो। टेंशन क्या है, मतलब जिम्मेदारियाँ बढ़ रही हैं, तो जिम्मेदारियाँ बढ़ रही तो कार्तिक खुश होना चाहिए, तो थोड़ी सी टेंशन तो आ जाती है। और तो यही सब रीज़न है और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जो मुझे पसंद है मैं बना के कुक करके खा लेती हूँ। जैसे आपको भी पता है कि मम्मी को सारी चीज़ें बनाने नहीं आती है, जैसे नॉनवेज वगैरह मम्मी खाते ही नहीं है, वो खाए नहीं उन्होंने कभी बचपन से, वो वेजिटेरियन है, तो वो मैं खुद ही कुक कर लेती हूँ। और दोपहर को भी कोशिश करती हूँ कि मैं ऊपर ही कुक कर लूँ, लेकिन सुबह और रात को ज़्यादातर मम्मी बनाते हैं। और ऊपर का भी जैसे रूम की सफाई वगैरह मैं और कार्तिक मिलके कर लेते हैं, लेकिन कार्तिक ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं इन दिनों। तो थैंक यू सो मच बेबी, मुझे दुनिया का सबसे अच्छा हस्बैंड मिला है। और ऑफ कोर्स मिलेगा भी, क्यों नहीं, क्योंकि हम बचपन के इतने मतलब इतने बचपन से हम साथ में रहे हैं तो अटैचमेंट भी काफ़ी रहती है, वो तो नेचुरली है। मेरा हाथ दर्द हो गया इतनी देर से 2 मिनट में ही, तो पहले कैमरा को स्टैंड करते हैं फिर बात करते हैं। सो गाइस बाय, मैं जा रहा हूँ। देखो कैसे हंस रही है, अब कोई काम नहीं करना पड़ रहा तो कितने मजे मार रही है। कोई काम नहीं करना पड़ रहा, देख लो क्यों नहीं करना। मैं ही कर रहा हूँ सारे काम। सारे काम, एक बर्तन धो दिया तो सारे काम यही हो गया है। टॉयलेट की सफाई अभी तक मैंने की है, शादी जब से हुई है ना तब से टॉयलेट की सफाई मैं ही करती हूँ। ठीक है, तो खैर चलो कोई बात नहीं। तो इससे ये पूछो कि टॉयलेट यूज कितना होता। हाँ तो नहीं यूज होगा तो क्या साफ नहीं करेंगे क्या? हाथ शेक हो रहा है तुम्हारा ना, शेक नहीं करो ना कैमरा। तो ये है कि चलो जैसे तैसे कट रही है, मतलब ठीक कट रही है, अच्छी कट रही है, अच्छी चल रही है, मतलब एक नया मतलब सब कुछ नया नया सा फील हो रहा है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मतलब कहते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी मतलब मतलब जैसे मूड भी चेंज हो जाता है मेरा, गुस्सा आता है, और कभी कभी बहुत अच्छा लगता है। और कार्तिक को अभी ऑफिस जाना है, तो अभी थोड़ा सा कार्तिक अब तैयार व्यार होंगे और जाएंगे ऑफिस। तो यहाँ से साफ आ रहा है, तो ये है कि मिलजुल के काम करने से ही होता है प्रेगनेंसी के दिनों में, तो परिवार को एक दूसरे के साथ रहना ही पड़ेगा और रहना ही चाहिए। ठीक है, तो कार्तिक को लेट हो रहा है तो कार्तिक जा रहे ऑफिस, और कुत्ते ने तो दिमाग ख़राब कर रखा है। तो आज मैंने सोचा चलो आज कैमरा उठा के आज बिल्कुल ताज़ा का ताज़ा आज व्लॉग दिया जाए। आज 30 नवंबर है, 30 नवंबर है ना, तो आज ये व्लॉग आपको मिलेगा बिल्कुल फ्रेश। और भी बात, जैसे मैं आपको पहले बोलती थी ना कि बातें तो बहुत सारी है, बहुत सारी बातें मैं आपसे करना चाहती थी, तो यही सब मतलब प्रेगनेंसी को भी छुपा के रखा था हमने, लेकिन ये था कि हम सोच रहे थे कब बताएं कब, मेरे को मतलब था कि मैं आप लोग को बताऊं, क्योंकि आप लोग के
इतने कमेंट्स आते थे और ये था कि आप लोग भी वेट कर रहे थे और मुझे इतना था कि आप लोगों को बड़ी खुशी होगी जितनी खुशी हमें है ऑफ कोर्स, और वाकई वैसा हुआ भी। तो सब कुछ चलो बढ़िया चल रहा है। तो कार्तिक जा रहे हैं ऑफिस, बाय। सो गाइज, कार्तिक गए ऑफिस और पापा भी चले गए हैं, अब मैं और मम्मी रह गए घर में। तो अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और एडिटिंग करके ये मैं व्लॉग अभी आपको दे दूँगी। तो दिल की बहुत सारी बातें थी जो ऑलमोस्ट आपको पता चल ही रहा है, मेरे रूटीन्स अगर आप देख ही रहे हो, चेकअप के लिए जाती हूँ और मतलब इन दिनों अगर बोलूँ तो डॉक्टर के पास ही विजिटिंग है और हमें अच्छी डॉक्टर भी मिली है काफ़ी गॉड की दया से और आप लोगों की दुआ से। तो सब स्मूथ चल रहा है, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू गॉड, और आप लोगों को भी थैंक यू सो मच कि आप लोग हमेशा मतलब कितना मुझे प्यार करते हो, चाहते हो और हमेशा टेक केयर बोलते हो, अपना ख्याल रखो, बेबी कैसा है, बड़ी खुशी होती है मुझे। और ये जैसे स्नेहा कार्तिक व्लॉग्स है जो हमारा, तो ये व्लॉग चैनल मैंने स्पेशल इसीलिए बनाया था कि मैं और कार्तिक इस पर व्लॉगिंग करेंगे। और स्नेहा सिंह चैनल पर मैं हेयर से रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ और ब्यूटीज से रिलेटेड डालती हूँ, और उस चैनल पे भी कुछ नया करने का मेरा इरादा है। तो देखते हैं, अभी मैं फैमिली से भी परमिशन ले रही हूँ। जैसे फैमिली तो मेरी पता है क्या, वो प्रेगनेंसी व्लॉग भी डालने के लिए सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो काफ़ी मनाया और फैमिली काफ़ी गुस्सा हो गई थी, कहते कि ऐसे रिवील नहीं करना और बताना नहीं चाहिए, लोगों की बुरी नज़र लगती है ये वो। मैंने कहा रहे यार, मैं गॉड बिलीवर लड़की हूँ, मुझे बुरी नज़र नहीं लगती है, गॉड मेरे साथ है, मुझे प्यार करते हैं और फिर आप जैसे लोगों की दुआ भी है मेरे साथ है, तो ऑफकोर्स है ना, तो बेटर फील हो रहा है मुझे। और बहुत मतलब मैं खुश हूँ इन दिनों और बहुत इन्जॉय कर रही हूँ फाइनली, मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, इतनी खुशी होती है मुझे कि मैं मतलब गॉड को बहुत थैंक यू कहती हूँ। मैं सच में जो जो मैं चाहती हूँ गॉड मुझे दे देते हैं। और आप लोगों को भी मेरी जर्नी पता है कि मैंने मेरी स्पिरिचुअल लाइफ कैसी रही है पिछले साल, है ना। तो वाकई स्पिरिचुअलिटी भी कोई चीज़ होती है, मतलब है, ठीक है, ये आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। आप जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, आपको मतलब होना चाहिए, आपको ट्रस्ट होना चाहिए गॉड पे, बिल्कुल गॉड है और गॉड मिरेकल करते हैं, मेरी लाइफ में हमेशा मिरेकल्स होते हैं। और इवन मैंने बहुत से लोगों के लिए प्रे की तो उन लोगों की लाइफ में भी बहुत सारे मिरेकल्स हुए। मुझे याद है जब मेरी एक कज़न थी और उसको काफ़ी टाइम से उसको बेबी नहीं था, उसकी शादी हुई थी 2016 में, है ना, और उसको कोई बेबी नहीं था, एक बार उसका मिसकैरेज हो गया था और उसको बेबी नहीं था। तो मुझे जब पता चला लास्ट ईयर, तो जब मुझे पता चला, मेरे मॉम ने मुझे बताया, तो मैंने उसके लिए प्रे की गॉड से कि प्लीज़ गॉड उसको भी कोई बेबी दे दो प्लीज़। तो उसको फाइनली अभी एक दो महीने पहले ही मुझे पता चला, मैंने देखा फेसबुक पे भी उसकी पिक देखी, उसको गॉड ने एक बेबी बॉय दिया है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि उस लड़की को भी पता नहीं है कि मैंने उसके लिए प्रे की थी और उसको बेबी बॉय हुआ। मैं बहुत खुश हूँ कि गॉड मेरी प्रे सुनते हैं, तो सच में तो हमें गॉड पे बिल्कुल ट्रस्ट होना चाहिए। और मैं तो बहुत ट्रस्ट करती हूँ गॉड पे, मतलब किसी इंसान से ज़्यादा मैं गॉड पर ट्रस्ट करती हूँ। तो चलो, ये तो मेरी पर्सनल चीज़ें जो आप लोगों से मैं शेयर करती रहती हूँ, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ, फिजिकल लाइफ, है ना, और सब कुछ मैं आपसे शेयर करती हूँ। मैं कुछ भी आपसे छुपाती नहीं हूँ, मेरी डाइट आप लोगों के सामने है, मेरा लाइफस्टाइल आप लोगों के सामने है, लेकिन बस यही सोचती हूँ कि आप लोग मुझे देख पाते हो, मैं आप लोगों को नहीं देख पाती हूँ। तो ये एक मेरी विश ज़रूर है कि जो मेरे पुराने दोस्त और ख़ास करके स्नेहा सिंह चैनल से मुझे यहाँ पे मिले हुए हैं, मैं उनसे एक बार अपनी लाइफ में ज़रूर मिलूं। तो ये मेरा ड्रीम है, सच कह रही हूँ। कई बार ऐसा होता है ना कि जो कई सब्सक्राइबर होते हैं ना, उनका ड्रीम होता है कि वो अपने फेवरेट यूट्यूबर से मिले, लेकिन यहाँ पे एक यूट्यूबर है जिसका ड्रीम है कि वो अपने फेवरेट सब्सक्राइबर, अपने क्या बोलते हैं उसको, मोस्ट बिग फैन, क्या बोलते हैं उसको, क्रेजीएस्ट फैन जो होता है ना, उससे मिले। तो मुझे ये बहुत शौक है, हर एक दिन होगा भी, जरूर होगा ये।
तो फिलहाल तो गाइज इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा और बस अच्छे से सब चल रहा है, कट रहा है, बढ़िया है। अभी थोड़ा सा तैयार अपने आप को कर रही हूँ क्योंकि अभी काफ़ी सारे टेस्ट वगैरह करवाने हैं, तो उसके लिए अभी मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। और बस अभी लंच वंच करेंगे 2 बजे, और उसके बाद फिर मैं एडिटिंग वगैरह में लग जाती हूँ, कुछ बुक्स वगैरह पढ़ती हूँ, कुछ बेबीज़ के बारे में अच्छा अच्छा सर्च करती हूँ और भी नॉलेज गेन करने की कोशिश करती हूँ। जैसे मेरा फर्स्ट बेबी है तो सीखती हूँ कि कैसे उसको देखभाल करूँगी, है ना। बाकी तो मेरे मॉम भी मुझे बताते ही रहते हैं, बट फिर भी होता है ना कि और जान ले और जान ले। तो यही सब मेरी लाइफ में फिलहाल तो चल रहा है, जो बहुत ही अच्छा है। और जिनकी शादी नहीं हुई है और या जिनको अभी बेबी नहीं है, तो आप भी तैयार रहो, ये तो जरूर होने वाला है। और बहुत अच्छा लगेगा, सच में बहुत अच्छा लगेगा। मैं अगर सच में अपने बारे में बोलूँ ना, तो मैं ऐसा फील करती हूँ मैं एकदम से छोटी बच्ची थी। आप लोग पिछले साल की मेरी वीडियोस देख लो, और अब लगता है कि मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ यार, मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ। अब मुझसे कोई बच्चे जैसा बात करता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है। मुझे लगता है नहीं, अब मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ। वाकई मुझे सीनियर बनने का बड़ा शौक हो रहा है। तो गाइज ये तो थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करो, अगर आप मुझसे और जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके रखना चैनल को, और टाइम टू टाइम मैं अपडेट देती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।